नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबका दिन शुभ हो, सुरक्षित हो, ज्ञान बढ़े, बुद्धि बढ़े, नॉलेज के। मैं आपके लिए डिफरेंट सेंटेंसेस भी ला रहा हूँ। मैं आपके लिए वोकैबुलरी लाता हूँ, फ्रेजल वर्ब्स लाता हूँ, एडवर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग, मोटिवेशनल स्पीच। और आज हम ये कर रहे हैं कि मैं बीच बीच में ऐसे सेंटेंसेस भी लाऊंगा जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से जुड़े होंगे, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड, रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड। तो आज मैं आपको ये 6-7 सेंटेंसेस स्कूल से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो देखिए, नंबर 1, मास्टर जी ने हाजिरी लगाई या मास्टर जी हाजिरी लगा चुके हैं, राइट। उससे पहले सेंटेंस है, मुझे स्कूल को देर हो गई है। आई एम लेट फॉर स्कूल, आई एम लेट फॉर स्कूल, आई एम लेट फॉर स्कूल। कई बार सेंटेंस है जो जनरल यूज में हम बोलते रहते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो आई एम लेट फॉर स्कूल बेसिक ट्रांसलेशन आता है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको यूज करके बनाते हैं, ओके? अब देखिए, दूसरा सेंटेंस है, मास्टर जी ने हाजिरी लगाई, द टीचर कॉल्ड द रोल, द टीचर कॉल्ड द रोल। देखिए, द टीचर कॉल्ड द रोल, ROLL, ओके? उसकी हाजिरी कम है। अब देखिए, उसकी हाजिरी कम है मींस ही इज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, ही इज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, ATTENDANCE, अटेंडेंस में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ई लगा देते हैं, यहाँ ए आएगा, अटेंडेंस, ही इज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर ली है, यानी कि उसने अंग्रेजी में अपनी पूरी कमी कर ली है, दैट मीन्स ही हैज मेड अप या शी हैज मेड अप, कर ली है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कर चुकी है। तो शी हैज मेड अप हर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, एनीथिंग, शी हैज मेड अप, मेकअप माने पूरा करना, शी हैज मेड अप हर कमी माने डेफिशिएंसी, DEFFICIENCY, डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, ओके? शी हैज मेड अप हर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रधानाचार्य जी ने मेरी पूरी फीस माफ कर दी है। अब देखिए, प्रधानाचार्य जी ने मेरी पूरी फीस माफ कर दी है, दैट मींस द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड मी फुल फी कंसेशन, प्रिंसिपल हैज ग्रांट, ग्रांट माने आज्ञा दे देना, तो द प्रिंसिपल, पी में कैपिटल, द क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड मी द फुल फी कंसेशन, CONCESSION, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड मी द फुल फी कंसेशन। नेक्स्ट है, उसका नाम कट गया है। अब देखिए, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है काफी टाइम से, तो नाम कट जाता है, उसका नाम कट गया है, दैट मीन्स हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक ऑफ माने काट दिया है, स्ट्रक ऑफ द रोल, यानी कि अटेंडेंस से नाम काट दिया है उसका, अटेंडेंस ले रहे थे तो टेकिंग रोल्स, राइट। तो हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, हिज नेम हैज बीन स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक, OFF, स्ट्रक ऑफ द रोल्स, ROLLS, हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स। अब टीचर कहे कि आप, मैं अगर स्कूल डेली नहीं आओगे तो मैं आपका नाम काट दूंगा, इफ यू डू नॉट कम, मैंने इफ आपको बताए थे कंडीशनल सेंटेंस, अगर दो फ्यूचर टेंस है तो पहला इफ लगाकर प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में, इफ यू डू नॉट कम टू द स्कूल डेली, कॉमा लगा के, आई विल स्ट्रक ऑफ योर नेम, आई विल स्ट्रक ऑफ योर नेम, आई विल स्ट्रक ऑफ योर नेम द रोल्स, या आई विल स्ट्रक योर नेम ऑफ द रोल्स, ओके? नेक्स्ट है,
तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है, यानी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये बोलते हो ना, तो आप कहेंगे हाउ आर यू गेटिंग ऑन, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज, विथ योर स्टडीज, ओके। तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आई एम गेटिंग ऑन गुड विथ माई स्टडीज, ऐसे बोल, आई एम गेटिंग ऑन गुड विथ माई स्टडीज, आई एम मेकिंग अप माई डेफिशिएंसी इन मैथ्स, मैं मैथ्स में अपनी कमी पूरी कर रहा हूँ, आई हैव मेड अप माई डेफिशिएंसी इन मैथ्स, राइट। तो ये थे कॉमन सेंटेंस स्कूल से रिलेटेड, आगे और स्कूल से रिलेटेड लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय माँ सरस्वती।